हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिक एंड मॉडर्न साइंस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और योगिक अंडरस्टैंडिंग। आज के वैज्ञानिक इस सृष्टि के संबंध में, वस्तुओं के संबंध में क्या सोचते हैं, उनकी फाइंडिंग्स क्या हैं, रीसेंट फाइंडिंग्स क्या हुई हैं, और जो योगिक साइंस के सिद्धांत हैं, इसके जो इटर्नल प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं और इनमें डिफरेंस क्या है, क्यों जो कॉन्टेम्प्रेरी साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, कुछ वैज्ञानिक की बात नहीं करूंगा क्योंकि कुछ वैज्ञानिक जो योगिक साइंस के प्रिंसिपल्स हैं उससे एग्री करते हैं और अब वो ये मानने लगे हैं कि जो योगिक साइंस के प्रिंसिपल से सिद्धांत हैं वो वाकई में एक आधारभूत चीज है, फंडामेंटल है साइंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। बट मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट दे डोंट सीम टू बी अग्रीइंग ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ योगिक साइंस। डिफरेंस क्या है, वो एग्री क्यों नहीं करते, इसी पे आज की चर्चा रखेंगे। सबसे पहली बात, साइंस विज्ञान जो है वो वस्तुगत खोज है, वो पूरे सृष्टि को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखता है। इसको यदि हम वैज्ञानिक भाषा में बोलें तो वैज्ञानिक बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रियलिटी। सो दे ऑलवेज टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। हर चीज उनके लिए ऑब्जेक्ट है, चाहे हेवनली बॉडीज हों, प्लैनेट्स हों, स्टार्स हों, अर्थ हो, हेवनली गैलेक्सी हो, या फिर टाइनिएस्ट यूनिट हो पदार्थ की, कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बोसॉन, गॉड पार्टिकल के रूप में कुछ भी हो सकता है। और जब हम साइंटिस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, फिर क्वांटम मैकेनिक्स पिक्चर में आता है, और क्वांटम मैकेनिक्स की जो फाइंडिंग्स हैं वो योगिक साइंस के जो सिद्धांत हैं उसकी ओर इंगित करते हैं। बहुत सारी फाइंडिंग्स, जैसे द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्वर इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स सेज दैट विदाउट द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर हमारे अध्यात्म में, योगिक साइंस में दृष्टा कहा गया है, या कोई ऐसी एंटिटी जिसके पास, जो या तो दृष्टा है या दृष्टा ना होके वो कोई नॉलेजेबल चीज है, एक्सपीरियंस्ड एंटिटी। तो क्वांटम मैकेनिक्स में बड़ा रोल है ऑब्जर्वर का। क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि बिना ऑब्जर्वर के, बिना ऐसी एंटिटी के जो एक्सपीरियंस्ड है, नॉलेजेबल है, या जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकती है, कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी भी नहीं हो सकती। यदि कोई ऑब्जर्वर ना हो तो कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, पूरा एग्जिस्टेंस जो है वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड है। कोई जो रूपरेखा बनती है, जो रचना हो रही है, वो ऑब्जर्वर के प्रेजेंस में ही हो रही है। ये फाइंडिंग्स हैं। यदि इसको और इस फाइंडिंग्स को एक्सट्रापोलेट कर लिया जाए तो वो उसी नतीजे पर पहुंचेंगे, ऑब्जेक्टिवली बाहर से, अनुभव से नहीं बल्कि अपने एक्सपेरिमेंट से। हालांकि ये भी बहुत बड़ी चीज है। तो कुछ साइंटिस्ट हैं जो कि एग्री करते हैं और इतने ऑनेस्ट हैं कि योगिक साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको मानते हैं, और अब वो जानने लगे हैं कि ये प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, इनमें वाकई कुछ सब्सटेंस है। तो मैं ये चर्चा करना चाह रहा था
कि डिफरेंस क्या है और डिफरेंस क्यों है। डिफरेंस इसलिए है क्यों का ये जवाब है कि उनका जो पर्सपेक्टिव है खोज का, एक्सपेरिमेंट का, वो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। दे डू नॉट कंसिडर द कॉन्शियसनेस इन इट, दे डू नॉट कंसिडर द माइंड, इमोशंस, इंटेलिजेंस। इसका कोई रोल नहीं है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, और इसलिए भाषा में दिक्कत है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। योगिक साइंस के जो सिद्धांत हैं उनको मैं ये कहूंगा कि समझ में आके भी वो समझना नहीं चाहते, नहीं समझते, क्योंकि उनके दायरे में वो चीज है नहीं, ऑब्जेक्टिव दायरा है। मगर यदि ईमानदारी से बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों को हम देखें, उनकी उनके कोटेशंस पढ़ें, कोट्स पढ़ें, अल्बर्ट आइंस्टीन हो गए, मैक्स प्लैंक हो गए, हाइसेनबर्ग हो गए, स्टीफन हॉकिंग जो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे, उन्होंने भी, हालांकि उन्होंने बात नहीं की है किसी योगिक साइंस प्रिंसिपल्स की, बट उनके फाइंडिंग्स में भी कहीं ना कहीं ये बात आ जाएगी। तो जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं उनके यदि हम कोट को पढ़ें तो उससे पता लग जाएगा कि जो योगिक साइंस के प्रिंसिपल से सिद्धांत हैं वो सिद्धांत काफी मिलते जुलते हैं उनके फाइंडिंग्स से। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, हाइसेनबर्ग का मैं एक कोट पढ़ रहा था उस दिन पहले, उसमें उन्होंने ये लिखा कि यदि कोई कॉन्शियस एजेंट ना हो जिसके अंदर कॉन्शियसनेस हो, तो हम किसी ऑब्जेक्टिव रियलिटी की कल्पना भी नहीं कर सकते। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है इसका भी सृष्टि के निर्माण में कहें या सत्य को उद्घाटित करने की प्रक्रिया में थॉट प्रोसेस का बहुत बड़ा रोल है, एक्सपीरियंस का बहुत रोल है। एक्सपीरियंस काफी चीजों को तय करती है। अब एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस का मतलब है कि कोई कॉन्शियसनेस है अंदर, कोई कॉन्शियस एंटिटी है जो आइडिएट कर सकती है किसी चीज को, जिसके अंदर आइडियाज जनरेट हो सकते हैं, जो सोच सकती है, उसको हम कॉन्शियस एजेंट कह सकते हैं। अभी हाल के दिनों में अभी भी वो काफी बात करते हैं, शायद उनका नाम हॉफमैन, पूरा नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट हॉफमैन करके एक हैं, वो बात करते हैं कॉन्शियस एजेंट्स की। जो योगिक साइंस में हम जीवात्माओं की बात करते हैं, प्रकृति में जीवात्माएं अनगिनत हैं, और जीवात्माएं कैसे आई, उनका ओरिजिन क्या है, ये हम पहले के एपिसोडों में बहुत बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो जो हॉफमैन है ही सेज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम, काल और क्षेत्र की जो उत्पत्ति है, काल और क्षेत्र अपने आप में कुछ भी नहीं है। उनका ये कहना है कि ये जो कॉन्शियस एजेंट्स हैं, जो जीवात्माएं हैं, उनके संबंध से उत्पन्न चीजें हैं, आपस में वो एक दूसरे को रिलेट करती हैं, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती हैं एक जीवात्मा दूसरे को, वो संबंधित हैं सारी जीवात्माएं। उस संबंध की वजह से काल और क्षेत्र की उत्पत्ति है, काल और क्षेत्र दिखाई देते हैं, काल और क्षेत्र अनुभव में आते हैं। तो काल और क्षेत्र कोई सत्यगत चीज नहीं है, एग्जिस्टेंट नहीं है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, हाँ वो दिखाई पड़ते हैं, वो अनुभव में आते हैं, और अनुभव में इसलिए आते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे जीवात्माएं हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इस संबंध को हम टाइम और स्पेस कहते हैं।
So this has been said by Hoffman, और वो काफी मैथमेटिकल डायग्राम्स वगैरह बना के वो उस चीज को प्रूव भी उन्होंने किया है और काफी प्रचलित हैं, काफी स्पीकर भी अच्छे हैं, काफी जगह जगह जाके आजकल बोल भी रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बाकी जो साइंटिस्ट, जो चाहे वो फिजिक्स में रिसर्च कर रहे हो या केमिस्ट्री में रिसर्च कर रहे हो या एस्ट्रो फिजिसिस्ट हो, तो उनका देखने का और एक्सपेरिमेंट करने का और उनका जो पर्सपेक्टिव है वो अभी भी ऑब्जेक्टिव है, या ऑब्जेक्टिव ना भी हो वो उस चीज को मानना नहीं चाहते कि योगिक साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो प्रिंसिपल्स सत्य हैं और हमारा जो आधार है वो उन प्रिंसिपल्स के अंदर ही है। और इस पे आगे बात शर्मा जी मौजूद हैं, शर्मा जी भी करेंगे कि जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो किस हिसाब से चीजों को देखते हैं और यौगिक साइंस किस आधार पर चीजों को देखता है और मिसकम्युनिकेशन इन दोनों के बीच में क्यों है। इसमें यौगिक साइंस के आधार पे अगर हम देखते हैं कि साइंटिस्ट जो है हमारे कहाँ पे काम कर रहे हैं, यौगिक साइंस हमारी कहाँ पे बात कर रही है। हमने हमेशा ये बात करी, अभी संक्षेप में बता देते हैं कि 1 7 नवंबर 2019 को मैंने एक एपिसोड बनाया था जिसमें हमने ये कहा था कि पूरे ब्रह्मांड में 50% नीचे की ओर लिक्विड है। तो अभी 3 जून 2022 को नासा के वैज्ञानिकों ने ये चीज निकाली कि हमने इतनी पावरफुल लाइट मार करके देखा कि इसमें 50% लिक्विड कुछ देर के लिए दिखाई दिया। उन्होंने फिर बहुत सारी अखबार छापी, किताबें छापी, बहुत सारा छाप दिया। मगर वो तो हमने मैं मेरा ये जो कहना है कि यौगिक साइंस अपने में एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो किसी भी जीव के शरीर को अर्थात एक अंडों के एक अंडे को अंदर की प्रक्रिया बताती, अंडे के अंदर की प्रक्रिया बताती है। ये यौगिक साइंस बताती है। जैसे कैसे उसका उदाहरण हम यहाँ पे देना चाहते हैं कि अगर एक साइंटिस्ट है वो एक जीव के शरीर को देखता है, अर्थात वो एक आकार को देखता है, अंडाकार को देखता है। मगर यौगिक साइंस जो है उस आकार को चीर करके, फाड़ करके, बीच में, अंदर में, जैसे ऑपरेशन करके डॉक्टर दिखाता है उस जीव के शरीर को, ऑपरेशन करके दिखाता है कि इसके अंदर माल क्या है, क्या क्या इसके अंदर आइटम है, क्या क्या इसके अंदर साकार चीजें हैं, निराकार क्या है, इसके अंदर आपकी नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं, इसकी रनिंग क्या है, इसके तरीके क्या हैं, वो जो तरीके जो सारे सब बताते हैं, ये यौगिक साइंस की तरफ से ये चीज हमारे में अध्यात्म में आती है और ये अनुभव से होती है। हम इस पर बात करते हैं। मगर ये जो बात कर रहे हैं कि जो डॉक्टर जो साइंटिस्ट हैं वो एक डॉक्टर की तरह नहीं, वो एक शरीर को देखते हैं, तो वो शरीर को देखते हैं, वो एक अंडे को नहीं देखते हैं। डॉक्टर साइंटिस्ट देखते हैं अंडे के समूह को। अब अंडे के समूह की जो प्रक्रिया है, नेगेटिव पॉजिटिव और उसकी चुंबकीय सिस्टम की जो तरीका है, या जो उसमें एनर्जी जितने प्रकार, जैसे हम बाहर की एनर्जी बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी, दो एनर्जी काम करती हैं, तो वो एक समूह में भी करती हैं, एक अंडे में भी करती हैं। तो हमने ये चीज यौगिक साइंस में और साइंटिस्ट जो है उनमें अंतर आ रहा है कि ये जो सामूहिक पकड़ करके साइंटिस्ट चल रहे हैं, हम एक अंडे की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, हमारे आप एपिसोड देखेंगे उसमें आपको ये मिलेगा कि जो एक था वो द्वैत कैसे हुआ, और अगर वो द्वैत हुआ है तो द्वैत होने के बाद में उसने क्या प्रक्रिया अपनाई है, और उसके एक अंडे में, वो दो अंडे हैं तो दो अंडे उसमें हैं कि एक हम परमात्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, दो दो, या प्रकृति कहते हैं या परमात्मा कहते हैं।
वो हमने ऐसे एपिसोड में अपने तरीके बताए, उनके नाम हमने रखे। तो वो इसमें जो छोटे छोटे हमने बोला उसके अंदर बहुत सारे जीव आत्माएं हैं, तो वो जीव आत्माएं अभी हमने सत्येंद्र से चर्चा की थी कि हमने उसने एक ने जितनी बार जितना टाइम सोचा है, जितनी बार सोचा है और जितनी बार उसने ये प्लानिंग करी है, तो वो प्लानिंग उतनी बार उसका रूप ले गई है, तो वो इसलिए अनेक है उसके अंदर। तो एक से द्वैत और द्वैत से अनेक, ये हमारा शास्त्र सिद्धांत है और ये हमारा योगी साइन का सिद्धांत है और यही एक अध्यात्म अनुभव का सिद्धांत है, ना कि कहीं से पढ़ा लिखा ऐसा सिद्धांत नहीं है, अनुभव का सिद्धांत है कि वो एक से द्वैत और द्वैत से फिर अनेक। तो जो अनेक हुआ है, तो ये हम ऑपरेशन की ये प्रक्रिया कर रहे हैं साइंटिस्ट। हम एक पीस की बात करें तो एक पीस में दो चीजें हैं, उसमें जीव आत्मा इंटरनल वर्किंग करती है, अंदर की वर्किंग करती है, परमात्मा बाहर से वर्किंग करता है। तो हमने वो ये कहा था पहले एपिसोड में कि बाहर चार, उसके चार गुण हैं, उसमें ये तेजी से आता है तो गति है, उसमें तेजी के गति गिरने की वजह से उसमें लाइट आती है, एक शब्द होता है और उसमें शक्ति है। ये जो चार चीजें हैं, ये चार चीजें बाहर की प्रक्रिया है। तो हमने ये चीज बताई थी, साइंटिस्ट भी इस पे काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि उसको पकड़ के चल रहे हैं। तो अभी इंटरनल जो अंदर की चीज है, उसके अंदर जो जीव आत्मा है, ये उन पर काम कर रहे हैं, तो उन पर काम कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आज के एपिसोड में, जो बड़ा जरूरी है, कि हम अपने को पहले देखें कि हम कहाँ पे हैं। हम अभी ऑपरेशन की प्रक्रिया में नहीं जा रहे हैं कि हम वहां पे निराकार है, जीवात्मा है, परमात्मा ऊपर है, और वो क्या नाम नेगेटिव पॉजिटिव है, और वो क्या नाम आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उस पे नहीं हम जाना चाहते। हम अभी ये बताना चाहते हैं कि साइंटिस्ट पहले ये देख लें कि हमारी स्थिति क्या है, उसके अगल बगल क्या है, उसी पे तो आप रिसर्च करोगे, उससे आगे नहीं कुछ कर सकते। मगर योगिक साइंस ऐसा नहीं कहती, योगिक साइंस इससे ऊपर जाती है, गहराई में जाती है। तो वो हम कह रहे हैं कि आप लिक्विड जो 50% है, हम लिक्विड के अंदर हैं, और लिक्विड के अंदर बहुत सारी जीवात्माएं हैं, तो इसलिए बहुत सारे अंडे हैं। और जब कोई भी जो बहुत छोटी चीज होती है, अगर लिक्विड में डाल दी जाए और उसको अगर निकाल लिया जाए, तो वो साथ में चीज भी लाती है, मगर अगर लिक्विड के अंदर रहेगी तो वो अंडाकार दिखेगी। तो जीवात्मा अंडाकार नहीं है, ये योगिक साइंस कहती है, मगर अंडाकार पे अभी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। इसलिए ये एपिसोड में इसलिए बनाया कि अंदर में वो जीव जो चतुर्भुजाकार है, वो अंडाकार है और वो बहुत सारे हैं। तो साइंटिस्ट भी, शरीर भी अंडाकार जीवों से ही जुड़ा हुआ है, बाहर भी अंडाकार है, और सौर मंडल में भी अंडाकार है, बाहर भी अंडाकार, हर जगह पे वही चीज है, सारा सिद्धांत वही है। उसमें पावर कम और ज्यादा हर चीज की ये है। और दूसरी बात, संबंध और उनके उनके गुण अर्थात संस्कार, तो वो बड़ा जरूरी है कि उनके, इस पर बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी। तो इसलिए इसमें इस तरीके के जो वो काम कर रहे हैं, ये चीजें लेकर के साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि लिक्विड में काम करें, तो लिक्विड में आपके साकार भी है, निराकार भी, क्योंकि हमारा साकार शरीर है, इसमें हमारी हवा भी है और हमारी प्राणवायु भी है, इसमें बहुत सारे सामान। तो बहुत लंबी चर्चा हो, अभी साइंटिस्ट कहाँ काम कर रहे हैं, योगिक साइंस कहाँ काम करे, इस पर सत्येंद्र थोड़ा और अभी विचार बताएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि जो वैज्ञानिक है, वो उनका पर्सपेक्टिव क्या है काम करने का या एक्सपेरिमेंट करने का। तो स्पष्टतः उनका पर्सपेक्टिव अभी ऑब्जेक्टिव है, बहुत सारे साइंटिस्टों का, एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू। कुछ साइंटिस्ट हैं जो ऑनेस्ट भी हैं और काफी ऑनेस्टली उन्होंने काम किया है, और उन्होंने एग्री भी किया है कि जो योगिक साइंस के सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत उनके हिसाब से भी सही है, करेक्ट है। जैसे मैंने ऑब्जर्वर की बात की, जैसे मैंने संबंधों की बात की, जैसे मैंने कि कोई भी नेचर में कोई भी पार्टिकल है, वो सिर्फ पार्टिकल नहीं है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस पार्टिकल। पार्टिकल तो हमें लग रहा है पार्टिकल की तरह, मगर है तो
उसी एक की जो जिसको प्रतिध्वनि कह सकते हैं, उसके संकल्प के कारण, उसके आइडिया के कारण, उसकी जो प्रतिध्वनि है, बहुत सारे जो जीवात्माएं हैं सारे कॉन्शियस हैं, और इस कॉन्शियसनेस के वजह से ही सब कुछ हो रहा है, उनकी अपनी कॉन्शियसनेस और उनके चारों तरफ की जो एनर्जी है, जिसको हम योगिक साइंस में हमने परमात्मा की एनर्जी बोला है या प्योर एनर्जी ऑफ कॉन्शियसनेस बोला है, उस एनर्जी और उसके जो चार गुण हैं, ये लाइट है, साउंड है, उसकी पावर है और उसकी गति है, और इसके इनके इनके प्रभाव से ये सारा चल रहा है। तो पर्सपेक्टिव अलग है और पर्सपेक्टिव अलग होने की वजह से ही मिसकम्युनिकेशन है, मगर यदि ईमानदारी से जो कंटेम्परेरी साइंस है, खासकर थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट जो काम कर रहे हैं और एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो काम कर रहे हैं, उनके फाइंडिंग्स चौंकाने वाली है, और उनके फाइंडिंग्स यदि ईमानदारी से बात करें तो योगिक साइंस के सिद्धांतों के काफी हद तक, मैं कंप्लीट नहीं कहूंगा क्योंकि पर्सपेक्टिव ही अलग है, मगर उस पर्सपेक्टिव से भी काफी अब मिलते जुलते प्रतीत हो रहे हैं। तो अगली बार से ऐसे ही कुछ टॉपिक पर हम चर्चा रखेंगे, और हम एक बातचीत की हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि हम जो दर्शकों के जो लोग सुनते हैं इसको या देखते हैं इस एपिसोड्स को, उनके कमेंट के बेसिस पे हम अपने चर्चाएं जारी रखेंगे, और यदि आपको भी कोई भी प्रश्न हो अध्यात्म से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड या उनके कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, या कोई ओरिजिनल क्वेरी हो, है ना, आप यदि आप खोजी हैं और आप कहीं आपको कुछ बात अटक रही है आपके अंडरस्टैंडिंग में, तो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कमेंट्स को पढ़ेंगे और उसके आधार पर हम अपनी बातचीत ऐसे जारी रखेंगे। धन्यवाद।